आदित्य कहाँ है? आदित्य? अरे वो दूसरा वाला राजौरिया वाला आदित्य कहाँ है? अच्छा राजौरिया वाला आदित्य नहीं आया? अच्छा ऐसे क्यों बैठे हो, देख ही नहीं रहे हो? हाँ देख नहीं रहा था ना, तुम छुपने की कोशिश कर रहे थे, तुम क्या भाव रहे हो जो छुपने की कोशिश कर रहे थे? क्रिस्पर क्या होता है आदित्य? क्रिस्पर हाँ, तो क्या होता है? इतनी जानकारी? अरे मैं तो फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ ना उसका। हाँ तो क्या होता है, याद करने की कोशिश की होगी ना? क्या याद कर ली तुमने अभी तक? तुम पढ़ के बोल रहे हो यार, थोड़ा आज में ये कर दो, थोड़ा आज में। 24 घंटे हो चुके, 24 घंटे ज्यादा हो गए टॉपिक खत्म हुआ, तो मैं थोड़ा आज में कर रहे हो, बताओ कल सुना दोगे? ये तो नया नया, ये बहुत पुराना बहाना है, कल सुना दूंगा। जैसे अपन क्लास में नहीं बोलते मैडम से, मैडम मैं कल याद कर जाऊंगा, और मैडम बया देती पीछे अच्छे संटी से। फिर मैडम थोड़ी पढ़ा रही यहाँ पर कोई, मैं तो मैडम दिख रहा हूँ क्या है? तो मैं दिख रहे थे लंबे लंबे काले घने बाल, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय कम है आपकी, एक हफ्ते क्लास है, थोड़ी शॉर्ट रहेंगी मेरी वाली क्लासेस, क्योंकि हिस्ट्री निपटाना ना इस चक्कर में, ठीक है? क्रायो प्रिजर्वेशन आगे चल के आने वाला है, ठीक है? टेंशन मत लो, नोट्स तक बन के वो तैयार हो जाए, क्रायो प्रिजर्वेशन वो आगे चल के आने वाला है। तो आपको जहाँ तक है नोट शायद कल मिल जाएंगे, जहाँ तक है ना, क्योंकि कल अपनी इसकी सेकंड क्लास क्लास रहेगी और परसों लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है? ऐसा आइए, आज हम देखने जा रहे हैं क्या, ये हमने कल शुरू करा था ना स्टेम सेल, इसको हम वापस से देख लें। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल माने क्या? स्तंभ कोशिकाएं, ठीक है? हमने देखा था वे भ्रूणीय कोशिकाएं, क्या बोले थे आपसे? वे भ्रूणीय कोशिकाएं जो क्या कर सकती है, किसी प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकती है, क्या कहलाती है? स्टेम सेल कहलाती है। अगर आपसे डेफिनेशन 3 मार्कर की पूछी जाएगी किसकी, स्टेम सेल की यानी कि स्तंभ कोशिका की, तो आप क्या लिखोगे? वे भ्रूणीय कोशिकाएं जिनके माध्यम से किसी प्रकार की कोशिका को, चाहे वो कोशिका सिर बनाने वाली हो, चाहे आंखें बनाने वाली हो, चाहे बाल बनाने वाली, चाहे हाथ बनाने वाली हो, उनको जन्म दे सकती है, क्या कहलाती है वो? स्तंभ कोशिका। अरे भ्रूणीय कोशिका तो स्तंभ कोशिका ही है, वो कहलाती है स्टेम कोशिका कहलाती है, ठीक है? स्टेम सेल्स कहलाती है ऐसा। चलिए अब आप देखना, ये यहां पर आपको पीछे दिख रही स्टेम सेल, ये बीच में ये है स्टेम सेल यानी स्तंभ कोशिका, ठीक है? इस स्तंभ कोशिका खासियत देखो, ये न्यूरॉन को भी बना सकती है, ये आपकी जो ये ऊपर वाली एपिथेलियल टिश्यू है यानी जो खाल चटी, इसको बना सकती है, ये कॉन्ड्रोसाइट ये हड्डी वाली होती है जिससे हड्डी बनती है। आवाज लो उसको मुंह के पास ठूस लेते हैं ना, अब देखो आवाज सही आ रही है। देखो ये कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट में क्या है, कॉन्ड्रोसाइट क्या बनाती है? हड्डियां बनाती है, ठीक है ना? तो आपकी कार्टेज बनाती है ऐसा। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेने का कार्य करता है। फैट सेल्स जिससे बॉडी में का फैट स्टोर रहता है ताकि आपको जो ना सर्दी ना लगे, और जो पतले लोगों को सर्दी बहुत लगती है, मोटों को नहीं लगती सर्दी, ठीक है ऐसा। और एंटरसाइट वगैरह हो जाती हृदय कोशिका ऐसा, ठीक है? तो आप देखो आपने इस एक ही स्तंभ कोशिका से कितने प्रकार की कोशिकाएं बना डाली। क्या हुआ मुस्की, तुम हंस रही हो? तुम पतली हो क्या? हाँ तभी तुम्हें सर्दी ज्यादा लग रही है, तुम पूरे क्लेश बनी बैठी हुई है इस समय, सफेद वाला क्लेश। वो काले रंग का पहनता था तुमने, सफेद रंग का नहीं क्रीम कलर का पहन रखा है ना ऐसा। चलिए आइए, बातें मत करो, बातें मत करो बिल्कुल, आदित्य बातें मत करो, इधर आ जाओ आप लोग। हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं जो आपकी स्तंभ कोशिका होती है कितने प्रकार की होती है, हम पीछे बात कर चुके थे, एक बार फिर हम यहाँ पे देखने जा रहे कितने प्रकार की होती है स्तंभ कोशिकाएं। दो प्रकार की, सबसे पहली कौन सी, भ्रूणी स्तंभ कोशिकाएं, और दूसरी होती है अपनी कौन सी, वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। ये स्टेम सेल यानी स्तंभ कोशिकाएं आपकी दो प्रकार की होती है, पहली होती है अपनी क्या, भ्रूणीय, और दूसरी वयस्क स्तंभ कोशिका। हम पहले यहां पे कौन सी दिखा रहे, भ्रूणीय। अब देखो यहां शब्द क्या लिखा है, भ्रूण लिखा है कि नहीं लिखा है यहां पे शब्द, तो भ्रूण से ही आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि हर प्रकार की कोशिका को क्या दे सकती है, जन्म दे सकती है, चाहे वो हाथ बनाने वाली कोशिका हो, चाहे बाल बनाने वाली कोशिका हो, चाहे आंख बनाने वाली कोशिका हो, चाहे कुछ भी बनाने वाली कोशिका हो, भ्रूणीय कोशिका हर प्रकार की कोशिका को जन्म दे सकती है, चाहे दांत बनाने वाली कोशिका हो, जो अनिमेज दिखा रहे अपने सही ऐसा ना। आइए इसके प्रकार देखते हैं, इसके प्रकार देखो यहां पर दो प्रकार की होती है, एक तो अपनी कौन सी होती है, टोटीपोटेंट, और दूसरी अपनी कौन सी होती है, प्लूरीपोटेंट। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका कितने प्रकार की होती है, दिमाग में डालते चले जाओ, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सी,
टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट। टोटी का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कोशिका को बना देना। ठीक है, ये होता है टोटी का मतलब। टोटी मतलब वो नहीं था, वो टोटा वाला है नहीं, वो टोटा जिसकी उंगलियां नहीं होता है, अपन बोलते ना जिसकी उंगली नहीं होती, अपन बोलते हैं टोटा आ गया, टोटा आ गया, इस टाइप से आपने सुना होगा। कुछ लोग तो बेचारे ऋतिक रोशन को टोटा बोलते हैं, जब उसको तो एक्स्ट्रा उंगली है, फिर पता नहीं क्यों टोटा बोल रहे हैं, पता नहीं। जिसकी उंगली नहीं होती, एक हाथ समझ में आता है टोटा बोलो भी, उसके तो छह छह उंगलियां हैं, फिर उसे टोटा बोल रहे हैं, बताओ क्या बोलते हैं उसको। चलो खैरेदार आ जाओ, टोटी माने जो किसी प्रकार की कोशिका को दे सकती है, जन्म दे सकती है। ठीक है, आप देखना यहां पे लिखा है कि लिखा है टोटीपोटेंट स्टेम सेल से प्लेसेंटा सहित शरीर के सभी अंगों का विकास क्या है, संभव है। हमने देखा था कि देखा था कि मां के पेट में बच्चा होता है तो जिस नली से या जिस नाल से वो जुड़ा था उसी नाल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी ने पता करा था क्या? नहीं, गर्भनाल तो है, प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भनाल तो अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, प्लेसेंटा को हमें हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द रहता है अपरायु जरायु कुछ इस टाइप से करके। ठीक है, खैर आप तो प्लेसेंटा ही याद रखो, या प्लेसेंटा बड़े आराम से ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए गैस, तो देखो प्लेसेंटा और शरीर के सभी अंग, आपसे बोल रहे सभी के सभी अंगों का विकास किससे हो सकता है, टोटीपोटेंट कोशिका से हो सकता है। यदि मान लो 3 मार्कर डेफिनेशन टोटीपोटेंट कोशिका किया तो आप वहां पर क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ये वे भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से प्लेसेंटा सहित शरीर के सभी अंगों को क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। क्या कहलाती है, टोटीपोटेंट कोशिका कहलाती है। दूसरा हमारे यहां पर क्या है, प्लूरीपोटेंट। तो प्लूरी का मतलब होता है बहुत सारी, सभी नहीं, देखो यहां कहता सभी, किसी भी प्रकार की है सभी, यहां पे क्या बहुत सारी, हम यहां पे क्या बोल रहे हैं बहुत सारी। अब बहुत सारी में कौन सी है, केवल ये प्लेसेंटा को नहीं बना पाएगी, बाकी सब बना दी, मतलब यहां पर क्या हो गया, प्लेसेंटा को छोड़कर, क्या बोल रहे हैं आपसे, प्लेसेंटा को छोड़कर शरीर की सभी अंगों का ये क्या कर सकती है, विकास कर सकती है। कौन, प्लूरीपोटेंट। प्लूरी का मतलब भी होता है बहुत सारा, प्लूरल पढ़ा है ना आपने, सिंगुलर और प्लूरल, इंग्लिश में पढ़ते हो जब चौथी पांचवी कक्षा में थे आप, सिंगुलर यानी कि सिंगल और प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक वचन बहुवचन, है कि नहीं, बिल्कुल एक वचन, आप अभी एक हो फिर आपके घर में बहु हो जाएगा, बहुवचन हो जाओगे, है कि नहीं। चलिए क्या बोलते हैं, बीजांडा, बीजा अंडाशय बोलते किसको, अंडाशन किसको, नहीं नहीं ये नहीं बोलते, कुछ और बोलते, ये नहीं बोलते, क्या हुआ आदित्य कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये पढ़ा रहे जो तो अच्छा, इसका अबरार का कोई दिक्कत नहीं, अबरार, अबरार तो कनेक्ट कर पा रहे मुझे अच्छे से पता है। अबरार ने एक बार बोला था कि सर आप बीच से स्टार्ट करो, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन समझ में आ रहा है ना। चलिए खैर, तो आपको समझ में आ गया, यहां पे दो प्रकार की आपकी भ्रूणीय स्तंभ कोशिका होती है, एक तो आपकी टोटीपोटेंट, टोटी यानी कि किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण करने वाली भ्रूणीय कोशिका है, जैसे कि प्लेसेंटा सहित शरीर के सभी अंगों का विकास करने वाली कोशिका। ठीक है, और प्लूरी मतलब क्या, एक को छोड़ दो, कौन सी, प्लेसेंटा को छोड़कर शरीर के सारे अंग का विकास कर देने वाली कोशिका, क्या कहलाती है आपकी, प्लूरीपोटेंट। प्लूरी का मतलब ही होता है बहुत सारा। ठीक है, टोटी का मतलब किसी भी प्रकार की कोशिका, टोटी मतलब क्या, किसी भी प्रकार की कोशिका, प्लूरी माने बहुत सारी कोशिका। अब बहुत सारी में गया, सभी तो नहीं आया, बहुत सारी आ गया, यानी शरीर के सभी अंग तो आ गए लेकिन प्लेसेंटा नहीं आ पा रहा बस। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, फिर हमारी अगली कौन सी, यहां पर व्यस्क स्तंभ कोशिकाएं, इसको देख लीजिए आप लोग, व्यस्क स्तंभ कोशिकाओं को देख लो यहां पर, ये आपकी 4 प्रकार की होती है, लेकिन मेनली तो ये खैर आपकी 3 प्रकार की रहती है जो हम यहां पर देखेंगे, लेकिन आपके लिए 4 प्रकार लेकर आ गए। ठीक है ना, क्योंकि क्या है आपको बाजार में केवल 2 ही प्रकार की मिलेंगी, ये मैं 2 और निकाल कर ला गया आपके लिए, बतियां मत करो, इधर देखो ध्यान से। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान से देखना आप लोग, यहां लिखा हुआ है व्यस्क स्तंभ कोशिका। अब जैसे क्या व्यस्क शब्द लग गया, तो व्यस्क में क्या होता है, जैसे आप हो, आप जब जायगोट के रूप में थे तो जायगोट क्या था, एक सिंगल सेल, एक कोशिकीय संरचना थी कि नहीं थी, जायगोट एक कोशिकीय संरचना थी ना, हम सब जानते हैं जायगोट कैसे बना था, नर युग्मक मादा युग्मक के मिलन से, निषेचन से क्या बना था, जायगोट। मतलब जब आप लोग जायगोट की अवस्था में थे तब वो जायगोट से आपका शरीर का कोई सा भी अंग बन सकता था, लेकिन अब आप क्या हो चुके हो, व्यस्क। अगर मान लो हाथ कट गया, किसी उंगली कट गया, वापस आ पाएगी क्या, हाथ कट गया व्यक्ति को, उंगली कट गया तो व्यक्ति को टोटा बोलते हैं,
हाथ कटे तो लूला बोलते हैं, पैर कटे तो लंगड़ा बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? हालांकि वो चीज बोलना खैर गलत होती है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है दिक्कत ये है कि साइंस अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाया कि मान लो किसी व्यक्ति की उंगली चली जाए, हाथ चला जाए, पैर चला जाए, तो एक नया पैर बनाकर प्रयोगशाला में उसको लगा दे उसे, है ना। वो तकनीक अभी हम ला नहीं पाए, वो तकनीक आएगी आगे चल के। क्या हुआ, पैसे क्यों कर रहे हो? अच्छा चलिए, खैर तो जो आपकी व्यस्क स्तंभ कोशिकाएं, ये केवल कुछ ही खास कोशिकाओं को क्या देंगी, वापस से जन्म देंगी, केवल कुछ ही खास, बाकी किसी को भी नहीं। तो हम देखते हैं कुछ खास में कौन कौन से प्रकार है, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। निर्भय नहीं आया, निर्भय अच्छा निर्भय नहीं आया, खैर वो क्लास भी नहीं देख रहा होगा जहां तक है। देखो पहले यहाँ पे कौन सी, मल्टीपोटेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीपोटेंट। देखो पोटेंट माने कल बताया था मेरे को, पोटेंट माने क्या होता है, पोटेंट माने क्या होता है, पावरफुल, शक्तिशाली। पोटेंट माने क्या होता है, शक्तिशाली। अब यहाँ पे लिखा है मल्टीपोटेंट, मल्टी का मतलब होता है तीन से चार तक, आप कह सकते हो तीन से चार तक, वो तीन से चार खैर गलत होगा बोलना, तीन से चार नहीं बोलेंगे अपन यहाँ पर इसको, अपन इसे बोलेंगे पांच से छह तक, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मल्टी माने बहुत सारा होता है वैसे तो, मल्टी विटामिन सुना है ना आपने, 12 प्रकार के विटामिन होते हैं, बी के ए विटामिन ए बी सी डी इस टाइप से 15-16 प्रकार के होते हैं कि नहीं, इस प्रकार से मल्टी विटामिन, बिल्कुल वही। तो यहाँ पे लिखा ना मल्टी, मल्टी यानी कि पांच छह तक हम कह रहे हैं यहाँ पर, हालांकि 10 से 12 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन पांच छह पर मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो इसके द्वारा कुछ ही कोशिकाओं को संवर्धन, संवर्धन का मतलब क्या होता है, अरे संवर्धन माने क्या होता है, बड़ा करना, प्राप्त करना, ठीक है ना, ऐसा संवर्धन किया जा सकता है। स्पष्ट है कि इसमें केवल कुछ ही अंगों का, क्या कह रहे हैं अपन, कुछ ही अंगों का विकास संभव है, जैसे कि अस्थि मज्जा, वसीय ऊतक और हृदय कोशिकाएं, ठीक है। अस्थि मज्जा कल मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर में जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डियां, जैसे हाथ की ह्यूमरस हड्डी है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, अस्थि मज्जा। पैर की ये बड़ी हड्डी है फीमर, यहां पर आपको क्या मिलेगा, अस्थि मज्जा। शरीर में जितनी भी लंबी हड्डियां हैं वहां पर क्या प्राप्त होता है हमको, मतलब वहां पर क्या होता है, प्राप्त नहीं, वहां पर क्या होता है, अस्थि मज्जा, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, क्या बोलते हैं, बोन मैरो, वही बोन मैरो जिसको जो ना वो नहीं होते बकरा खाने वाले करके खाते हैं जो, वही वाला बोन मैरो। उस बोन मैरो में दोनों तरफ क्या बनता है आपके, ब्लड, यानी कि आरबीसी, मेनली के बनते हैं आरबीसी, और क्या बनता है, ब्लड बनता है ऐसा। तो देखो अस्थि मज्जा को मल्टीपोटेंट बना सकती है। वसी ऊतक, वसी यानी कि आपका फैटी टिश्यू होती है, ये जो आपका पूरा पूरा ये मशीन है जो शरीर है, ऊपर वाले ने जो दिया है, इस शरीर के अंदर जितने भी क्या ऑर्गन लगे हैं भीतर, किडनी हो, लीवर हो, आंते हो, ठीक है ना, स्प्लीन हो, जितना भी सामान अंदर लगा, लंग्स वगैरह हो, इनके चारों तरफ कौन सी कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, इसी वसीय ऊतक की, फैटी टिश्यू की होती है कवरिंग होती है, होती क्यों नहीं होती है, ये कवरिंग क्यों होती है, ताकि उनको शॉक से बचाया जा सके। अगर मान लो जैसे आप देखो जाओ कि लड़ाई होती है, कोई आपके पेट में मुक्का मारे, थोड़ी देर लगती है, फिर आप सही हो जाते हो। अगर मान लो ये वसी ऊतक ना हो और कोई दे देख मिला के वहीं पड़े रह जाओगे, ये होगा, आपको ये वसी ऊतक बचा लेते हैं, वहां पर ये रहता है बस, ये पूरा पूरा शौक कौन है, मतलब सामने वाला आपको जो मुक्का मारा है वो शौक कौन है, ये वसी ऊतक झेल जाते हैं, ये रहता है। ज्यादातर हम देखें दोस्त यार मिलते हैं और क्या हाल चाल है, फट पीछे दे दिए मिला के, बिल्कुल अच्छा ऐसा कैसी कैसी बातें करते पता है। चलो खैर वसी ऊतक, अगला यहां पर क्या, हृदय कोशिका है। तो आप देख रहे हो ज्यादातर केस में इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें क्या है, हृदय से संबंधित बीमारियां रहती हैं, हार्ट अटैक हो, चाहे ब्लॉकेज हो, उसके लिए क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते ही नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। बाईपास सर्जरी में यदि मान लो हार्ट की कोई टिश्यू या ऊतक हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर क्या किया जाएगा, इन्हीं मल्टीपोटेंट कोशिकाओं की सहायता से उतना भाग कहां पर, प्रयोगशाला में बनाया जाएगा, और बनाकर कहां पर, प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा व्यक्ति के शरीर के अंदर, ताकि वो एक नॉर्मल जीवन जी सके, ठीक है ऐसा। हालांकि अभी भी क्या है, ये तकनीकें बहुत महंगी हैं, हम इसमें इतने आगे जा नहीं पाए, आने वाले टाइम में जाएंगे पक्की बात है, क्योंकि ये तो भैया मनुष्य का शरीर है, उस नश्वर शरीर है, इस पे आपने जन्म लिया है, कभी ना कभी तो मिट्टी में जाके मिलेगी, है ना, इसके क्या पूरे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब बनी जाएंगे, सत्य बात है बिल्कुल, ये तो शाश्वत सत्य, मृत्यु क्या एक शाश्वत सत्य है। चलिए अगला आते हैं यहां पर क्या हमारा, ओलिगोपोटेंट। ओलिगो मतलब क्या होता है, दो से तीन, ओलिगो मतलब क्या है, दो से, ओलिगो मतलब होता है कुछ, वैसे कहता कुछ, मल्टी माने क्या होता था, थोड़ा ज्यादा, बहुत कुछ, आप कह सकते हो बहुत कुछ, तो ये क्या है, कुछ, दो या तीन, मुश्किल से दो या तीन, इससे ज्यादा नहीं, केवल दो या तीन, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा, ओलिगो, ओलिगो मतलब भी होता है कुछ, और पोटेंट यानी कि पावरफुल, ठीक है ना, यानी कि शक्तिशाली। तो दो या तीन प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है, हम क्या बोल रहे हैं, दो या तीन प्रकार की कोशिका, वो कौन सी होती है, ज्यादातर आपके ब्लड में जो
WBC पाई जाती है ना, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको कौन बनाती है? ओलिगोपोटेंट बनाती है। हमारे शरीर में आप देखना जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके शरीर में जो WBC कम हो जाते हैं, तो क्या होता है, इसी ओलिगोपोटेंट कोशिकाओं का इस्तेमाल कर कर क्या बनाया जाता है प्रयोगशाला में, बहुत सारी WBC बनाई जाती है, और उसी WBC को वहां से लाकर किसमें इंजेक्ट कर देते हैं, व्यक्ति के शरीर के भीतर, ताकि वो क्या कर पाए, जो बीमारी उसको अंदर हो गई उस बीमारी से वो लड़ पाए। ठीक है, ऐसा। तो देखो यहाँ पे लिखा है बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, ये क्या होती है आपकी, ये इम्यूनिटी वाली सेल्स ही होती है दोनों। यहाँ पे लिखा बी लिम्फोसाइट, ये हम बायोलॉजी पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी नहीं ना, यहाँ पे ऐसे मत बोला करो पढ़ाई नहीं। ये कौन बोली, यहां से कोई बोली, बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा टेंशन। ठीक है, तो बायोलॉजी में इसको जाके हम पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे लाइम लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट होती है, इन लिम्फोसाइट का उपयोग किस में होता है, आपकी इम्यूनिटी को बनाने के लिए। ठीक है ना, इम्यूनिटी को बनाने के लिए। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी भी रोग के प्रति उस रोग से आपके लड़ने की क्षमता कैसी है, किसी भी रोग के प्रति उस रोग से लड़ने की आपकी क्षमता कैसी है। बिल्कुल वही PSC की तैयारी बोल दो या कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, डिपेंड करेगा कि आपका जो दिमाग है कैसा है, PSC लायक है, SSC लायक है, कि व्यापम लायक है, या फिर व्यापम वैकेंसी और आती है कौन सी, चपरासी वाली, उसके लायक है। ठीक है, ये इम्यूनिटी का वही चीज दिखाती है। हाँ, कुछ भी लायक नहीं है तो फिर काम ही खत्म है और क्या। फिर एक जो है वहां पर सफाई कर्मी की वैकेंसी भी आती है, वो नाले में उतर सफाई करते हैं जो। चलिए घेरे दर आइए, अगला यहां पर हमारा क्या है, यूनिपोटेंट। अब यूनि मतलब क्या होता है, एक, यूनि माने एक, यूनि माने होता है एक, तो ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देंगी, कौन सी, यूनिपोटेंट, एक ही प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देंगी, कौन, यूनिपोटेंट। ठीक है, अब एक ही प्रकार का मेल लीजन तो कौन आता है, आपकी आती है लीवर कोशिका, आपने सुना होगा लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन मेनली आपने क्या है, जो किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था ना, और जो लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा था, उसके लिए कहीं ना कहीं ये यूनिपोटेंट स्तंभ कोशिकाएं क्या थी, जिम्मेदार थी। हालांकि किडनी दूसरे व्यक्ति की लेके भी लगाई जा सकती है, बस दवाइयां शुरू शुरू में लेना पड़ेंगी ताकि एक्सेप्टेशन आ जाए। हार्ट भी क्या है, दूसरे व्यक्ति का लेके लगाया जा सकता है, लेकिन कभी लीवर दूसरे का नहीं लग पाएगा, ये ध्यान, क्योंकि सारे काम लीवर ही करता रहा। आपके इस शरीर में सबसे ज्यादा बिजी कोई यदि है जो पूरा मैनेजमेंट संभाले आपकी बॉडी का, वो कौन है, लीवर। बिल्कुल, आपके बॉडी का डायरेक्टर कौन है, लीवर। अगर डायरेक्टर गया तो फिर आप गए, पूरा कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऐसा। तो सबसे ज्यादा बिजी ऑर्गन कौन है, बिजीएस्ट अंग कौन सा है, लीवर है। आओ चलो डायरेक्टर है, ठीक है, तो डायरेक्टर का ख्याल रखना पड़ेगा। आप डायरेक्टर के लिए क्या किया गया, यूनिपोटेंट स्तंभ कोशिकाओं की व्यवस्था की गई है, आपके उस खराब लीवर से एक कोशिका निकाल ली जाएगी, ठीक है ना, और उसे कहां पर, प्रयोगशाला में ले जाकर उससे एक नया लीवर बनाया जाएगा, और वो लीवर आपके शरीर के भीतर प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। ऐसा, वो लीवर कैसे बनेगा, क्लोनिंग के माध्यम से, हमने पढ़ा था ना क्लोनिंग, प्रतिबंधन। अरे तो अपन जीन में का परिवर्तन कर रहे हैं, जो जीन में परिवर्तन की आप बात कर रहे हो ना, वो तो फिर बचपन से होगा ना, व्यस्त में थोड़ी होगा, वो तो भ्रूणियों में होगा जो भी जाकर होगा, ठीक है ना। यहां तो हम क्या कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लोनिंग एक प्रकार से, ठीक है ना, जो आप नया बनाकर लाओगे लीवर वो कैसे बनेगा, क्लोनिंग के माध्यम से बनेगा ना। हमने क्लोनिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, SCNT सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बस उसी के माध्यम से ये चीज बन रही है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो उससे क्या बनेगा, जायगोट, और जायगोट की तरह बिहेव करेगा कोशिका की तरह, उसमें फिर विभाजन होना चालू हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, ये पूरा लीवर बनकर आ जाएगा। चले गए, और यहाँ पे एक IPSC खेरी मैं आपके लिए अलग से लिख कर लाया, IPSC आपके काम का ये वैसे है नहीं है, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट करके कुछ नहीं है। हमारे पास जो व्यस्त कोशिका है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ छोड़े जिससे वो क्या किसी तरह बिहेव करने लगे आपके प्लूरिपोटेंट कोशिका। हमने पीछे प्लूरिपोटेंट पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, प्लूरिपोटेंट का पीछे फंक्शन क्या था, प्लूरिपोटेंट किस प्रकार की कोशिका थी आपकी, प्लूरी माने की बहुत सारी, हमने कहा पढ़ी भ्रूणियां पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी प्लूरिपोटेंट। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड कुछ केमिकल का, कुछ रसायन का प्रयोग करके अपने शरीर कोशिकाओं क्या बना देना वापस से प्लूरिपोटेंट। तो जो प्लूरिपोटेंट कोशिका होती है वो क्या है, वो प्लेसेंटा तो नहीं बना सकती लेकिन बाकी सारे अंग बना सकती है, ठीक है ऐसा। तो देख लो यहाँ पर स्टेम सेल आपकी क्या होती है, अगर हम बात करें एक बार, हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं सारी बातों को। स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम सेल क्या होती है, ये वे भ्रूणीय कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के किसी भी अंग को क्या दे सकती है, बना सकती है, जन्म दे सकती है। पहली बात तो वही स्टेम सेल की ये परिभाषा, ये दो प्रकार की होती है प्राप्त होने के आधार पर, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और दूसरी व्यस्क स्तंभ कोशिका। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका भी कितने प्रकार की, कौन कौन सी,
टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या कर सकती है? प्लेसेंटा सहित सभी प्रकार के अंगों का निर्माण कर सकती है, और प्लूरीपोटेंट प्लेसेंटा छोड़कर सभी प्रकार। दूसरी हमारी कौन सी है? व्यस्त स्तंभ कोशिकाएं। ये कितने प्रकार की? चार प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले मल्टीपोटेंट, दूसरी शैवानी बोलो, दूसरी ऑलिगोपोटेंट, तीसरी यूनिपोटेंट, और चौथी इंड्यूस्ड आईपीएससी इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ऐसा करके जो हमारी टोटीपोटेंट है, सॉरी जो हमारी मल्टीपोटेंट है, मल्टीपोटेंट ये क्या करेगी? कुछ कुछ जैसे कि 5 से 6 या 10 से 12 के आसपास ये अंगों को बना सकती है, जैसे कि अस्थि मज्जा, जैसे कि वसीय ऊतक, जैसे कि हृदय कोशिका। ठीक है ना? हृदय तो बेचारा बहुत दिक्कत है, दिल टूटता तो बड़ा टूट जाता, फिर एक नया बन जाए तो अच्छा रहता है। वही लिवर के लिए भी होगा आगे चल के। आपने गाना सुना, अक्षय कुमार का गाना आया था मोहरा मूवी का, एक काश अगर ऐसा होता, दो दिल होता सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में जो तकलीफ में जीने में, है ना? लीवर के लिए भी ऐसा होना चाहिए, एक काश अगर ऐसा होता कि दो लीवर होते सीने में या एब्डोमन में, एक मिट भी जाता पीने में तो तकलीफ ना होती जीने में। चलो खैर, अच्छा बात ही अलग है। चलो चलो, तो हम हाँ हमारी पहली कौन सी होगी? मल्टीपोटेंट। दूसरी हमारी कौन सी है? ओलिगो। ओलिगो यानी कुछ, केवल कुछ ही, दो या तीन मुश्किल से। तो दो या तीन में कौन सी कोशिका आएंगी? यहां पर मेनली कौन सी? डब्ल्यूबीसी वाली कोशिका, कौन सी? टी लिम्फोसाइट। ठीक है ऐसा। और यूनिपोटेंट केवल एक ही प्रकार की, मुख्यतः तो कौन सी? लीवर। और एक अपनी कौन सी? आईपीएससी। आई माने इंड्यूस्ड, मतलब कुछ रसायनों का प्रयोग करके, इधर सुनना ध्यान से, कुछ रसायनों का या केमिकल का प्रयोग करके स्तंभ, व्यस्क स्तंभ कोशिका को आपने क्या बना दिया है? प्लूरीपोटेंट स्तंभ कोशिका बना दिया। और प्लूरीपोटेंट स्तंभ कोशिका क्या करती है? वो प्लेसेंटा को छोड़कर सभी प्रकार के अंगों का निर्माण करती है। हालांकि ये बहुत आगे की प्रोसेस है, ध्यान रखना, बहुत एडवांस प्रोसेस है और बहुत खर्चीली है, इतना आसान नहीं है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन है, उनकी बेटी आराध्या बच्चन, ठीक है ना? उन लोगों ने यही कर रखा है, अपने स्टेम जो कोशिका ना, स्टेम सेल्स जी। अरे बता तो दिया, मतलब जो आपकी व्यस्क स्तंभ कोशिकाएं, बात सुनो ध्यान से, जो आप लास्ट वाला पूछ रहे हो उसको बता रहा हूं मैं आपको, जो आपकी व्यस्क स्तंभ कोशिकाएं, इनमें आपने कुछ ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करा कि केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद में वो उन्होंने अपना स्वरूप कैसा बना लिया? प्लूरीपोटेंट कोशिका की तरह बना लिया। और प्लूरीपोटेंट कोशिका की खासियत क्या होती है? ये प्लेसेंटा को छोड़कर सभी प्रकार के अंगों का निर्माण कर सकती है और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़े, क्या हुआ आपको? कुछ करना है? क्यों? ट्रेन है आपकी? अच्छा बाहर से आती हो, तो ठीक है आप कुछ करो। क्या जाने वालों कोई नहीं रो सकता? जाने वालों की सिर्फ यादें आती है। चलो शांत हो जाओ, इधर देख लो आप लोग, इसका महत्व किस में? जो इस समय हम लोग स्टेम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, स्तंभ कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका महत्व कहां पर है? ठीक है ना? आपने वो देखा था ना, वो मूवी देखी ना, आई मूवी आई थी, जो साउथ की मूवी आई थी आई, जिसमें वो था विक्रम सियान हीरो था उस मूवी में, है ना? वही आपने देखा होगा, एंड में जब मूवी खत्म हो रही होती है उसमें किताब दिखाई थी स्टेम सेल थेरेपी करके, लिखा था, लिखा था स्टेम सेल थेरेपी, है ना? तो उसको जो रोग हो गया था वायरस की वजह से, वो रोग कैसे दूर किया जाता? यही स्टेम सेल थेरेपी को अपनाकर ही वो रोग दूर किया जा रहा था, है ना? और आपने अगर मूवी का एंड पूरा देखा हो, पूरा शुरू से लेकर एंड तक, तो आपने देखा वो सही होने भी लगा था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ऐसा, यानी स्टेम, सोचो अगर ये स्टेम कोशिका क्या हो, बहुत ज्यादा इधर क्या एक अच्छा शोध और अनुसंधान भारत में हो जाए, तो हम लोग इस फील्ड में कितना आगे निकल सकते हैं। चलिए, तो इसके लाभ देखें, लाभ क्या क्या, सॉरी महत्व क्या क्या इसका? तो देखो, मार्किंसंस व मधुमेह जैसे रोगों से हम क्या कर सकते हैं? इलाज कर सकते हैं। जिन लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज क्या है? पैंक्रियाज, आपका जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में कौन सा हार्मोन नहीं बनता? इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता, ठीक है? तो आप स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से पैंक्रियाज को टमच टमच के ऐसा कर दोगे कि वो क्या बनाने लगेगा? वापस से इंसुलिन बनाने लगेगा और व्यक्ति को जाएगा सही, नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगा, है कि नहीं? यहां पे लगा पार्किंसन। पार्किंसन माने कि ये कौन सा रोग होता है? पार्किंसन, अरे बताया था ना, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है कि नहीं होता है? यानी न्यूरॉन तंत्र से संबंधित मस्क्यूलर डिसऑर्डर। पार्किंसन रोग क्या होता है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्या होता है? एक रोग होता है, ठीक है? इसमें व्यक्ति का जो जी साइजोफ्रेनिया भी होता है, पार्किंसन भी होता है, साइजोफ्रेनिया भी होता है और पार्किंसन भी,
आप एक बात बताओ, क्या जो रोग है, मैं तंत्रिका तंत्र वाला बोला, तंत्रिका तंत्र केवल एक ही रोग होगा? रोग तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। फिर तो दिमाग संबंधित रोग है, न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है, साइजोफ्रेनिया भी होता है। साइजोफ्रेनिया में क्या होगा, वहां पर व्यक्ति क्या है, कुछ और बातें करेगा, तर्कहीन बातें करेगा कि दीपिका पादुकोण तो मुसलमान है। तो प्रकाश पादुकोण कौन है? प्रकाश पादुकोण जी कौन है वो चीज, प्रकाश पादुकोण कौन थे? एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे ना, काफी फेमस, उन्हीं की बेटी कौन है? दीपिका पादुकोण। तो वो तो हिंदू थे, सनातन धर्म, सारस्वत ब्राह्मण थे, सीधे सीधे सनातनी सारस्वत ब्राह्मण थे वो, मतलब थे क्या, हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन दीपिका पादुकोण कौन है? वो तो मुसलमान है। तो ये क्या हो गया उस बंदे को? साइजोफ्रेनिया हो गया है। उस बंदे से बोला गया, क्या बोला गया? तो फिर आप जानते हैं प्रकाश पादुकोण कौन है। तो वो अंदर क्या बोल रहा है, कौन प्रकाश पादुकोण? मतलब उसे क्या हो गया, साइजोफ्रेनिया हो गया था, है ना ऐसा। तो पार्किंसंस रोग में क्या है, क्या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है पार्किंसंस में, होता क्या, व्यक्ति चबा नहीं पाता, मतलब खाना खाया तो वो चबा ही नहीं पाया, वो ऐसे खाया, ऐसे ऐसे करेगा बार बार उसका नहीं, आपने देखा कुछ लोग होते हैं ना, वो थोड़ा मुंह खुला हुआ सा रहता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता है ना, चल रहे होते हैं ऐ करके। तो वो मजाक नहीं उड़ा रहा, आपको बता रहे, क्योंकि आपने जो देखा है वो आपको बता रहे, जो आपने इस प्रकार के लोग देखे ना उनको पार्किंसंस रोग ही होता है ऐसा, जो आपने इस प्रकार के लोग देखा। आपने देखा क्या वो वैसी बातें करते हैं, आलतू फालतू की बातें, तर्किन, लेकिन वो बेचारे ढंग से बोल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं ना अपने उस पर, अपनी बॉडी पर। इसमें क्या होता है, पार्किंसंस रोग में आपका दिमाग आपकी बॉडी पर से कंट्रोल किया बहुत ढीला कर देता है ना। आपने देखो बहुत सारे गुरु महाराज होते हैं ना, जो जिन पे आप जाते हो आशीर्वाद लेने के लिए, उनका ये हाथ होता है, ये हिल रहा होता है, देखा आपने कभी कि नहीं देखा ये चीज, वो ऐसे करते रहते पूरे टाइम। हाँ तो उनको क्या है, ये इसकी समस्या है पार्किंसंस की, ठीक है, उनको यही समस्या है। चलिए खैर इधर आइए, अगला यहां पर क्या है, अस्थि विकार चिकित्सा। सेकंड देख लो यहां पर, सेकंड क्या है यहां पर हमारा, अस्थि विकार। अस्थि माने क्या होता है, हड्डियां। तो हड्डी में यदि मान लो कोई दिक्कत आ जाए, उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम किससे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेम सेल थेरेपी। आई मूवी दिखा था ना, वो कुबड़ा हो गया था, कुबड़ा हड्डी विकार आ गया था ना, लेकिन एंड में आकर सही हो जाता कि नहीं हो जाता, तो अस्थि विकार चिकित्सा। आप देखो कैसे कनेक्ट कर रहे मूवी को इससे, अपने टॉपिक से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये। फिर यहां पर क्या है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण। रक्त कोशिका यानी अपनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण भी हम किससे कर सकते हैं, स्टेम सेल थेरेपी की सहायता से कर सकते हैं। रक्त कोशिका अपनी कौन कौन सी कोशिकाएं आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आती कि नहीं आती है? किसी व्यक्ति को मान लो डेंगू हो गया, डेंगू नहीं, डेंगी, डेंगू नहीं बोलते हम लोग, डेंगू गलत शब्द है, डेंगी है सही शब्द। अगर मान लो किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया तो उसमें क्या प्लेटलेट्स कम हो जाते कि नहीं हो जाते? तो क्या करता है, उसे कीवी खिलाते हो, एक कीवी खाने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, वो केवल क्या है, दिमाग का वो है। जब आप स्वस्थ हो ना, स्वस्थ कीवी तब खाओ ताकि ये ना गिरे, अब तो वो गिर चुका है, अब कीवी क्या कर लेगी? आप देखना बहुत से लोग होते हैं डेंगू से निपट जाते हैं, कीवी खिला खिला के मर जाओ, लेकिन वो मर ही जाता बेचारा, ठीक है ना। हाँ किसी का ही भला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी है आप सबको बता रहे कि प्लेटलेट गिर चुके हैं ना अभी, तो फिर दिक्कत है। आप उन्हें गिरने मत दो ना, कीवी आप वैसे नॉर्मली खाते रहो, प्लेटलेट्स गिरेंगे नहीं आपके ऐसा। चलिए तो हम क्या, अगर मान लो किसी व्यक्ति प्लेटलेट्स गिर गया, मतलब वो बहुत क्या है, मरणावस्था में ही आ गया और उसमें पैसा बहुत है, तो वो स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से अपने भीतर प्लेटलेट्स को ला सकता है और डेंगू से लड़के बाहर आ जाएगा, उसमें फिर खर्चा ज्यादा होगा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कीवी तो क्या है, 100 रुपए की 4 आती है, ठीक है ना, यहाँ तो जो ना 1000 में भूल जाओ कुछ होगा, लाखों में बात आएगी तब कुछ होगा, जाके इंजेक्शन मिलेगा छोटा सा, ठीक है ना, स्टेम सेल थेरेपी में। अगला यहाँ पर क्या है, नष्ट हुई कोशिका को फिर से बनाया जा सकता है, ये बात तुमने समझ ली। जैसे लीवर नष्ट हो जाता है उसे दोबारा से बना सकते हैं हम लोग, हृदय की मान लो कोई कोशिका नष्ट हो जाए हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से स्टेम सेल थेरेपी से बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो क्या स्टेम सेल थेरेपी वाली बात सबको क्लियर हुई यहाँ पर, स्टेम सेल थेरेपी सबको क्लियर हुआ। स्टेम सेल क्या है, स्तंभ कोशिका क्या है, क्यों हेमंत, स्तंभ कोशिका क्या है बताओ जरा। अरे ऐसे मत बोलो, पूरा बोलो, वे भ्रूणीय कोशिकाएं। आपने बोल तो दिया आगे का, लेकिन आपने बोल शब्द मेन जो अंडरलाइन वाला शब्द था ना, आपने बोल नहीं बोला, वे भ्रूणीय कोशिकाएं, बस बाकी जो आपने बोला वो इसमें जुड़ जाएगा आपका। कितने प्रकार की होती है ये, दो प्रकार की होती है, पहले पहले बोलो भ्रूणीय, फिर व्यस्त। भ्रूणीय कितने प्रकार की, कौन कौन सी, और जो व्यस्त है कितने प्रकार की, कौन कौन सी, ओलिगोपोटेंट, आईपीएससी, उससे पहले कौन सी थी आईपीएससी से पहली, यूनिपोटेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम परियोजना। अब देखो यही वो मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है भैया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी।
शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। शुरू से लेके अंत तक जो हमारी 8-10 क्लास हुई अभी बायोटेक वाली, ठीक है ना, उन सबका निचोड़ा को कहां पे दिखेगा, इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दिखने वाला है। आपने देखा कि किस प्रकार से विकार उत्पन्न हो रहे थे और उन विकारों को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना, आपके विभिन्न प्रकार के अन्य तकनीक हम इनका क्या कर रहे थे इस्तेमाल, क्रिस्पर केस इन सब का हम लोग क्या कर रहे थे इस्तेमाल कर रहे थे, प्रकार दो प्रकार बोलाऊ विकारों को दूर करने के लिए। विकार यानी कि कमी, शरीर में आने वाली कमी, ये होता है विकार का मतलब। जो HGPA क्या होता है, ह्यूमन जीनोम परियोजना, बात सुनना ध्यान से, ध्यान से, जो ये ह्यूमन जीनोम परियोजना है, बातें मत करो अबरार, बातें कर रहे हो भैया फिर यहां समझ में नहीं आएगा, कुछ मत दो अभी, लेने देने का काम मत करो, यहां पर लेने देने का काम क्लास के बाद में करना, अभी मत करना, क्योंकि अगर पेपर नंबर 3 ढंग से नहीं पढ़ा तो काम ताम हो जाएगा, ध्यान रखना। पानी मैं यहां सभी के लिए बरसा रहा हूं, अब वो डिपेंड ये करेगा कि कौन पानी से गन्ने की मिठास पैदा करेगा और कौन पानी से करेले की कड़वाट पैदा करेगा, समझे कि समझे, तो करेले की कड़वाट मत बनो, गन्ने से मीठे बनो, ठीक है, मीठे वो मीठे मत बन जाना करण जौहर की तरह। शांत बैठो, आधे तो तुम भी बहुत बोलते हो, शांत, नहीं नहीं मत समझाओ, ठीक है ना, कोई तुम कोई बाबा महात्मा नहीं हो, तुम समझा रहे हो, ठीक है, इधर आ जाओ, हम यहां पर देख रहे क्या, ह्यूमन जीनोम परियोजना, ठीक है ना, ह्यूमन जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1990 के टाइम से इसकी शुरुआत की गई थी, और ये कब तक चला था, 2003 तक ये प्रोजेक्ट, यानी 13 साल तक, कब तक चला, 13 साल तक ये प्रोजेक्ट चला। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की होगी, पक्की बात है अमेरिका ही शुरू करेगा, हम लोग तो 1990 में क्या थे, बहुत पीछे थे, हमारे यहां तो भैया क्या था, $1 बिलियन का केवल वो रह गया था भैया, क्या रिजर्व, बिल्कुल। तो 1990 से लेके 2003 तक चला, इसे क्या है अमेरिका का ऊर्जा विभाग, हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, अमेरिका का ऊर्जा विभाग और अमेरिका का नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इसे क्या किया गया, इस पर काम किया गया, किस पर काम किया गया, मानव जीनोम परियोजना पर काम किया गया। ये क्यों करना पड़ रहा था भैया, इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि ये लोग बराबर देखते हुए आ रहे हैं, ये लोग क्या मनुष्य बराबर देखते हुए आ रहा है कि व्यक्ति को कैंसर होता है, बहुत सारे वायरस अटैक करते हैं, इसको क्या पार्किंसंस रोग होता है, इसको क्या साइजोफ्रेनिया रोग हो जाता है ना, इसको हीमोफीलिया हो जाता है, तो इन सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है, इन रोगों को दूर कैसे किया, आखिर ये रोग हो क्यों रहे हैं यार, इन रोगों को पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि मानव का जो जीन है, जो जीनोम है, उसका अनुक्रम कैसा है, एक बार वो तैयार होकर मिल जाए तो हमें पता पड़ जाएगा कि इस अनुक्रम से क्या है, ये प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन क्या है इस रोग के लिए उत्तरदायी है, हम उस प्रोटीन को खत्म करेंगे वहां से, है कि नहीं, इसीलिए क्या किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। तो देखो आप देखो 1990 शुरू हुआ, 2003 तक चला, 13 साल तक चला, किनके द्वारा, अमेरिका का ऊर्जा विभाग और नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा, करीब करीब कितना $2.7 बिलियन का खर्चा हुआ, कितना $2.7 बिलियन का इसमें क्या हुआ, खर्चा हुआ, और फिर इसमें क्या करा गया, 13 साल तक आते आते एक पूरा अनुक्रम बना के तैयार कर लिया गया। अभी आगे आपको और डिटेल बता रहे हैं, चिंता करो पूरा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, क्या किया गया, पूरा पूरा अनुक्रम तैयार कर दिया गया, कहां तक आते आते, 2003 तक आते आते, बात सुनना ध्यान से, 1990 से लेकर 2003 तक जब ये परियोजना चल रही थी तब इसका नाम क्या हुआ करता था, HGP रीड, रीड माने को था पढ़ना, HGP क्या, यहां पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते 3 मार्कर में, इसीलिए HGP क्या, यहां पे हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड, यानी अभी रीडिंग चल रही है, 90 से लेकर 2003 तक क्या चल रही है, रीडिंग, जब ये पूरा अनुक्रम बनकर तैयार हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, हमको अनुक्रम मिल चुका है हमारे सामने और अब उसी अनुक्रम के आधार पर हम ये पता करेंगे कि जो फॉल्टी, फॉल्टी यानी कि जो विकृत प्रोटीन है कौन कौन से, उन विकृत प्रोटीन को हम यहाँ पे खत्म ही कर देते हैं ताकि मनुष्य को बीमारी हो ही ना, सोचो कितने आगे की बात है, मनुष्य को बीमारी ना हो, हालांकि प्रकृति ने जो दिया अपना मानना है कि वो चलते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मनुष्य ने क्या कर दिया, यहाँ पे भगवान को चैलेंज कर दिया, आप ये मान लो ये चीजें करके, पहले आप देखो ना मलेरिया से मृत्यु होती थी लोगों की, टाइफाइड से मृत्यु हो जाती थी, आज की डेट में मान लो कोई व्यक्ति मलेरिया से मर जाए, टाइफाइड से मर जाए तो अपन हंसेंगे, हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे अपन, कोई बड़ी बीमारी हो कैंसर में से समझ में आता है कि हाँ उसमें मरे, लेकिन अगर मान लो आज के डेट में कोई व्यक्ति टाइफाइड या मलेरिया से मरे तो अपन को हंसी आएगी कि नहीं आएगी, है कि मलेरिया से मर गए ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ और बीमारी होगी पक्के में इसको भाई साहब, अपन यही बोलेंगे। चलो खैर इधर देख लो आप लोग,
जब 1990 से लेके 2003 तक प्रोजेक्ट चल रहा था, हम क्या कह रहे थे, एचजीपी रीड कह रहे थे। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट 2003 में जाके पूरा हो चुका है, आप क्या बोल रहे हैं आपसे, 2003 में जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद, क्या बोल रहे हैं आपसे, प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद इसका नाम क्या हो गया, एचजीपी राइड। यहां लिख रहा हूं मैं HGPWRITE राइट। तो एचजीपी क्या है यहां पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और राइट मैंने कहा लिखना, क्योंकि हमको सब कुछ हमने तैयार कर लिया, हमने पूरी किताब तैयार कर ली रीड के नाम से, हमने पूरी किताब कर ली तैयार। हमको क्या करना, राइट, यानी कि हमको क्या करना, बीमारियों को दूर करना है, जितने भी विकृत प्रोटीन है उनको दूर करके बीमारियां क्या करनी है, हमको खत्म करनी है। उसी का मतलब अपना यहां पर क्या है, एचजीपी राइट। हालांकि आपको अलग से नहीं आएगा एचजीपी रीड और राइट, लेकिन आप केवल ह्यूमन जीनोम परियोजना में इनको लिख के बोल सकते हो कि 90 से लेकर 2003 तक जो परियोजना पर कार्य चला वो एचजीपी रीड के लाया, ठीक है। और परियोजना पर कार्य पूरा होने के बाद में अब जब विकृत प्रोटीनों को दूर करने की बारी आ रही है तो वो चीज क्या कहला रही है, एचजीपी राइट कहला रही है। ऐसा यहां पर एक चीज और देख ले हम लोग, इसके तहत कितने, ये पता करा गया कि मानव के कोशिका में जीनों की संख्या लगभग कितनी है, लगभग है 30,000। इसके माध्यम से जब एचजीपी रीड किया गया था, कब, 90 से लेकर 2003 तक आते आते, तो ये पता पड़ा कि मानव की कोशिका में जो जीन है, जीनों की संख्या कितनी है, लगभग 30,000। वैसे तो मानव के जीन में जो कहते हैं ज्ञात जो संख्या, वो 80,000 से 1,00,000 के आसपास रहती है, लेकिन काम के जो है, काम के वो कौन से हमारे, ये 30,000 ही है। बाकी के बचे हुए 40, 50, 60, 70,000 वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वो क्या है, कोई प्रोटीन बनाते नहीं, वो उन्हें हम कहते हैं जंक डीएनए, ठीक है। ये हम कहां पे बायोलॉजी में आके पढ़ेंगे, यहाँ नहीं, जंक डीएनए वो यहाँ पे पढ़ेंगे। जंक यानी क्या होता है, जंक फूड होता है ना, जिससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, आप लगता है स्वाद मिलता है, क्या मतलब स्वाद, बर्गर खाने आप मैकडॉनल्ड पे जाओ केवल आपको स्वाद ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, बाकी पेट ही खराब होगा उससे। इसी से हम क्या बोलते हैं, जंक फूड। या फिर ये अगर मान लो जंक फूड गरम गरम है तो अच्छा लगेगा, खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ठंडा हो जाएगा तो बहुत बेकार लगेगा। जैसे आप घर में नूडल्स बनाओ गरम गरम है तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन मान लो वही ठंडे हो जाए तो नोचों से खाना पड़ेगा फिर उसको, तभी तो मजा आएगा, मतलब आपको नोचने बहुत मजा आता है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको नोचने मजा आता है, किसी को गर्म खाने का आनंद आता है, किसी को नोच के खाने का आनंद आता है, तो आपको नोचे खाने में आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहां पर देख लिया हमने मानव की कोशिका में कितने जीन है, 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे जीनोम वर्ड का मतलब समझ, जीनोम क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जीनोम जीनोम दिख रहा है ना बार बार, जीनोम का मतलब होता क्या है, देखो ये क्या था, केंद्रक था, इधर देखिए हम वही पाली बातें रिपीट कर रहे हैं, हम पहले पढ़ कर आए थे अपनी पहली क्लास में, ये केंद्रक था क्या, नहीं था, इस केंद्रक के भीतर क्या था बताइए, क्रोमोसोम गुणसूत्र थे। गुणसूत्र क्या होते हैं, जो किसी व्यक्ति के गुण को निर्धारित करते हैं, तो किसी व्यक्ति के गुण को निर्धारित करने वाला सूत्र ही क्या कहलाता है, गुणसूत्र। जैसे कि आपके बाल, आंख, नाक, बालों का रंग कैसा होगा, कान कैसा होगा, चेहरे की जो ना बनावट है कैसी होगी, इसे कौन डिसाइड कर रहा है, ये गुण ही डिसाइड कर रहे हैं, जिसका कहता है सूत्र, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। इनकी संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या होती कि नहीं होती, 46, इसमें से 44 क्या कहलाते हैं आपके, ऑटोसोम कहलाते हैं, और बाकी के दो क्या कहलाते हैं आपके, बिल्कुल। चलो अच्छा, पुरानी बातें याद है आपको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर देख लो आप लोग, इधर देख लो जो ये कोशिका थी, इसमें जो गुणसूत्र था, इसमें कितने क्रोमोसोम थे, 46, क्योंकि मैं आपको जीनोम बता रहा हूँ, जीनोम इसीलिए। अगर मान लो ये कोशिका जो है आपके सामने, समय जो कोशिका, इसमें कितने 46 गुणसूत्र, अगर मान लो इसमें गुणसूत्र कितने रहे हैं आपके, पैंतालीस के आधे कितने रह गए, 23 गुणसूत्र रह जाए, क्योंकि हमने देखा था ना जो स्पर्म कोशिका थी, स्पर्म जो था और जो अंडाणु था, इनमें कितने थे क्रोमोजोम, 23 थे ना, ये 23 और 23 आपस मिलके क्या बनाते, एक पूरे के पूरे 46, पूरे इंसान को बनाते कि बना देते, ऐसा। तो हमको यहाँ पे उन्हीं की जीनोम में, हम उन्हीं की बात करते हैं, जीनोम में हम मेनली देखना जो आपकी कायिक कोशिका है उनको नहीं लेते, किसको लेते हम लोग, जनन कोशिका को। जनन कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र है, 23 है कि नहीं है, और इन्हीं 23 गुणसूत्रों में क्या है, आपकी सारी की सारी आनुवांशिक जानकारी, क्या बोल रहे हैं आपसे, इन्हीं 23 गुणसूत्रों में क्या है, जीव की समस्त आनुवांशिक जानकारी। तो जो समस्त आनुवांशिक जानकारी है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीनोम। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, जनन कोशिका के भीतर
मौजूद गुणसूत्र, क्या बोले आपसे, जनन कोशिका के भीतर मौजूद गुणसूत्रों में उपस्थित, गुणसूत्रों में उपस्थित उपस्थित कुल डीएनए जो आनुवांशिक जानकारी बताता है को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। इसी की अगर स्टडी कर डाली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि यही से तो पता पड़ जाएगा ना। आप अगर मान लो शुरुआत से स्टार्ट करोगे, जब आप कोई चीज शुरू से शुरू करते हो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आती है, अगर मान लो बीच से शुरू करो तो समझ में नहीं आ पाएगी। हम यहाँ पर शुरू में आगे कि नहीं आगे, जनन कोशिका शुरुआत होती कि नहीं होती किसी व्यक्ति की, ऐसा बस यही जीनोम को बताता। तो जीनोम अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि जीनोम क्या होता है, आप क्या बोलोगे, जनन कोशिकाओं जिनमें, हाँ हाँ नहीं आपने पूरा नहीं बोला, आपने डीएनए वाली बात तो बोली नहीं, उपस्थित कुल डीएनए, ये आपका जो है ना क्या है, अंडरलाइन करने वाला कीवर्ड है भैया, उपस्थित कुल डीएनए जिसमें समस्त जानकारी पाई जाती है को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। मतलब आपने अपनी भाषा में बोल दिया, ये भाषा को किताब में नहीं मिलेगी, किताब में तो किताबी भाषा होती है, लेकिन यहां पर आपने कैसे अपनी भाषा में बोल दिया। क्यों शिवानी क्या बोलोगे इसको आप, गुणसूत्र में पाए जाने वाले, हाँ देखो यहां पर पदार्थ लगा दिया, नहीं ला दिया अनुवांशिक पदार्थ, मतलब क्या होता है डीएनए होता है, आप ये कह सकते थे है? ये बुक की लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज लेकिन अच्छी लैंग्वेज है। अच्छा लिख ली थी, कब लिखी थी आपने, पहली लिखी थी, अच्छा अच्छा चलिए। तो फिर आपने यहां पे एक बात नहीं बोली, बस आपने जनन कोशिका शब्द नहीं बोला यहां पे, ठीक है, क्योंकि आपने जो बोला है उसमें हो सकता है ये कोशिका भी आ जाए, जो कायिक कोशिका होती है जिसमें 46 होते, हम तो 23 के लिए बोल रहे हैं वाली बात। चलिए चलिए फटाफट आगे बढ़ के उसको निपटा अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, ठीक है, जीनोम समझ आ गए यहां पर आप लोगों को। आइए इधर आइए, देखो ये बात जैसे सारी वो बातें आपको पीछे मैंने बता दी है, ये कब से कब तक शुरू हुआ था, 1990 से लेके 2003 तक अमेरिका ऊर्जा विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा इस पर काम शुरू किया गया, ठीक है, और कितना खर्चा हुआ इसमें आते आते $2.7 बिलियन का, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा पीछे सारी बातें, आइए आगे आते हैं। शुरुआत में से क्या कहेगा एचजीपी रीड, हमने पीछे पढ़ा था ना, बाद में से क्या कहा जाएगा एचजीपी राइट, ठीक है ऐसा। बाकी ये दो पॉइंट खैर आपके काम के नहीं है, आप इन दो पॉइंट को छोड़ सकते हो, या मैंने नोट्स में दे दिया वहां से पढ़ लेना, ये नोट्स ये पॉइंट आपके काम के है नहीं है ऐसा, लेकिन एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। चलिए जीनोम क्या है, ये हम पीछे पढ़कर आए, जीनोम क्या है, अब देखो यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है, इधर पढ़ लो एक बार, हमने पीछे अपनी लैंग्वेज में समझिए जीनोम को, पीछे हम अपनी लैंग्वेज में समझ आ चुके हैं, अब ये अपनी किताबी भाषा है, इस पे क्या लिखा है, जीनोम एक जीव में मौजूद समग्र आनुवांशिक सामग्री को संदर्भित करता है और सभी लोगों में मानव जीनोम अधिकतर क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन डीएनए का एक बहुत बड़ा छोटा हिस्सा एक व्यक्ति तथा दूसरे बीच क्या होता है, भिन्न होता है। इधर देख लेना आप लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन आपसे ये कहना चाह रही है कि आप हो मैं हूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, चाहे अफ्रीका के लोग हों, चाहे इंग्लैंड के लोग हों, चाहे अमेरिका के लोग हों, चाहे पाकिस्तानी लोग हों, खैर पाकिस्तान तो होंगे ही होंगे, ऐसा मिडिल ईस्ट के लोग हों, चाहे चाइना के लोग हों, वही शी जिनपिंग अपना, वो जो बाहर घूमता रहता है यहाँ पर गली में, देखा शी जिनपिंग घूमते हुए यहाँ पर, बिल्कुल चाहे वो हो, हम सभी के भीतर क्या है 99.9% डीएनए क्या है, समान है, ये क्या है, समान है, जो भी भिन्नता हम एक दूसरे में देख रहे हैं वो केवल 0.1% की वजह से, 0.1% डीएनए से क्या होती है, भिन्नता होती है, ठीक है ऐसा 0.1% डीएनए से क्या होती है, भिन्नता होती है, मतलब आपके और मेरे बीच में डीएनए क्या है 99.9% क्या है, समान ही है, जो कहीं ना कहीं हमारे वेद पुराण में लिखा है ना कि हमारे पिता मनु रहा था, माता माता का नाम क्या बताते उसमें है, सतरूपा, अच्छा ठीक है चलो, मुझे समरूपा सुनाई दिया, समरूपा तो भैंस का नाम था जो हमने कल पढ़ी थी क्लोन, ठीक है ना। तो आप देखो 99.9% डीएनए अपना क्या है, समान ही है, केवल अंतर किसकी वजह से, 0.1% की वजह से अंतर है, जो इसमें पढ़ने में आया, किसमें, आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। हाँ कुछ पूछ रहे थे क्या, जीनोम और जीन में, जीन हम सिंगल की बात कर रहे हैं, जीनोम यानी कि 30,000 जीन, यानी कि जीनोम क्या हो गया, जीन का समूह हो गया, सीधी बात है कि नहीं, जीनोम क्या हो गया, जीन का समूह हो गया कि नहीं हो गया, जीन यानी कि सिंगल जीन, और जीनोम यानी कि जीनों का समूह। मानव जीनोम कितने, 80,000 से 1,00,000 तक होते हैं, लेकिन हमने ज्ञात कितने कर ली भैया, 30,000, ये हमने पीछे देखा था, ये देखा था, और जीनोम के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोमिक्स, या याद कर लेना जीनोमिक्स, अगर मान लो 3 मार्क का डेफिनेशन आ जाए जीनोमिक्स क्या होती है, तो जीनोम का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, जीनोमिक्स कहलाता है और कुछ भी नहीं है। फटाफट आगे बढ़े, जीनोम अनुक्रमण, अनुक्रमण माने आप जानते हो सीक्वेंस लगाना,
आपने बोलते ना अनुक्रमण यानी सीक्वेंस से लगाओ कि एक के बाद में क्या आएगा दो, दो के बाद क्या आएगा तीन। आप ये तो नहीं करोगे पहले आप करोगे एक तीन पांच फिर दो चार, ये नहीं करोगे ना। हम क्या बोल रहे हैं अनुक्रमण यानी कि सीक्वेंस में लगाना, तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। जैसे एबीसीडी लिखते हैं हम लोग, एबीसीडी, ए के बाद में बी फिर सी फिर डी, हमें ये नहीं करना। ए के बाद हम क्या लिखते हैं सीधे जेड लिख दें, और फिर हम क्या लिख रहे हैं एल लिख रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं पी। हमें क्या करना उसको सीक्वेंस में लगाना। तो जो भी मानव में जीनोम जितने भी जीन थे जीन, उन जीनों को आप क्या कर रहे हो एक सीक्वेंस में लगा रहे हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं जीनोम अनुकरण बोल रहे हैं। आइए हम यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो सारी बातें वो जो आप पीछे पड़ के आ चुके हो अब कनेक्ट करते चले जाना। जीनोम अनुक्रम के तहत डीएनए अणु के भीतर, किसके भीतर, डीएनए अणु के भीतर, इधर देख लो आप लोग के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। किसके, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता था क्यों बरार, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अरे यार न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, अरे न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है, फिर नाइट्रोजन बेस आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड में अपने क्या नाइट्रोजन, अरे क्या ये बायोलॉजी पढ़ोगे वाली चीज, इसमें क्या था अपने नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन बेस हमने कौन से, प्यूरिन और पिरामिडिन होते कि नहीं होते, बिल्कुल। यहां पर वही सीक्वेंस तो पता लगा रहे हैं ना, यहां पर लिखा है ना न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगा था। न्यूक्लियोटाइड में अपने क्या नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड में अपना क्या नाइट्रोजन बेस, मेनली क्या नाइट्रोजन बेस, और आपने क्या प्यूरिन और पिरामिडिन। तो देखो एक ही पेयरिंग डबल बॉन्ड से टी के साथ में, और सी की पेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जी के साथ में, ये एक सही अनुक्रम पता लगाया जाता है, ठीक है। तो आप देखो 13 साल काम चला है, आपको ये लग रहा हो ये चीज बहुत आसान होती है, चीज आसान नहीं होती है, कई साल लग जाते हैं, कई साल लगते लगते जो फिर चीजें पता पड़ती है कि हाँ पूरा पूरा सही का सही सीक्वेंस क्या है, तभी आप बीमारी का सटीक पता लगा पाओगे, बीमारी को दूर कर पाओगे, मतलब बीमारी दूर कर ही नहीं पाओगे। आप देखो ना एड्स जो बीमारी है इसका इलाज आज भी नहीं पाया, 40 साल हो चुके इस बीमारी को आए हुए, हम लोग इसी बीमारी में क्या हो गया रहना सीख गए कि नहीं सीख गए इस समय, है ना, लेकिन इसका इलाज आज भी नहीं आ पाया, क्योंकि क्या है जो एड्स का वायरस की दिक्कत जानते हो क्या, उसकी दिक्कत ये कि वो बहुत जल्दी खुद को उत्परिवर्तित कर लेता है, यानी कि म्यूटेट कर लेता है, उसे नहीं पता पड़ता है अरे वाह इंटरफेरॉन दवा आई है, अब मैं खुद को चेंज ही कर लेता हूँ, मतलब बहुत कर्रा वाला आतंकवादी आप ये मान सकते हो कौन, एड्स का वायरस तुरंत खुद को बदल लेता है, बहुत ढीट, आप कैसे कहते हो ढीट, ढीट है बहुत, प्रोटीज हाँ कम कर सकते हैं इससे बस और क्या, लेकिन खत्म तो नहीं हो रहा ना, व्यक्ति जीवन भर लेता रहेगा प्रोटीज इनहिबिटर जीवन भर, यहां लेना बंद करा वहीं उसकी सांसें बंद, और सांसें चलते रहना तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पे लिखा है ना, इसके दीदा देख लो, इसके अंतर्गत डीएनए मौजूद चारों तत्व कौन से, एडीनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, यहाँ पे थायमिन लिखा है, मान लो आरएनए तो वहां पे क्या लिखा होता यूरेसिल लिखा होता, के क्रम का पता लगाते, कुछ भी नहीं करते क्या लगते हैं क्रम का पता लगाते हैं। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि जीनोम अनुक्रमण क्या होता है, तो आप जो ना ये चीज ही बोल सकते हो, जीनोम अनुक्रमण क्या होता है आप बोल सकते हो, जीनोम अनुक्रमण के तहत न्यूक्लिक अम्ल में मौजूद एडीनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन के क्रम का पता लगाया जाता है, बस आप ये भी बोल सकते हैं अपना काम चला सकते हो, कुछ भी नहीं। इसे खत्म कर रहे हैं, ये खत्म हो गया अपना जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग क्या होता है देख लो आप लोग, अच्छा इसकी आवश्यकता क्यों है, जीनोम मैपिंग का मतलब वही होता है जीनोम परियोजना, आप जो चला रहे हो पीछे एचजीपी चला रहे हो मानव जीनोम परियोजना, उसमें क्या है पूरा पूरा मैप बन के आएगा कि नहीं आएगा आपके सामने कि भैया ये प्रोटीन क्या करता है इस बीमारी के लिए उत्तरदायी है, अगर मान लो ये प्रोटीन ही ना बने तो बीमारी नहीं आ पाएगी, उस मैप से पता पड़ेगा नहीं पड़ेगा हमको ऐसा। तो यहाँ पे लिखा कि जीनोम मैपिंग की आवश्यकता हमको क्यों होती है, तो बहुत सारे रोग जैसे कि मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन होता है कि नहीं होता, एक व्यक्ति कोई पागल व्यक्ति देखा आपने उसका पेन आया पेन, और पेन को कैसे देखेगा वो ऐसे, करेगा कि नहीं करेगा, तो ये चीज दूर करने के लिए उसमें विकार कैसे आया, ये भी क्या मेंटल जो मेंटल रिटार्डेशन लिखा हुआ है ये भी क्या एक प्रकार का तंत्रिका तंत्र रोगी है, ठीक है। तो केवल साइजोफ्रेनिया नहीं, केवल पार्किंसन रोग नहीं, मेंटल रिटार्डेशन भी अपना क्या होगा तंत्रिका तंत्र का रोग होगा, ठीक है ना। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, इन सबके क्या करने के लिए, इन बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जीनोम मैपिंग करते हैं, हमें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी आप देखो ये बीमारियां क्या है समाज में बनी हुई है, खत्म कहां हो पाई है, जो अमीर लोग हैं वो कुछ हद तक खत्म करने सफल हुए लेकिन पूरी तरह खत्म तो नहीं कर पाए ना, बाकी जो गरीब आदमी उसकी बीमारी आज भी है, गरीब आदमी मान लो मधुमेह हो जाए, हृदय रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, काम खत्म है उसका, वो जी पाएगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा इसके लाभ लिखे यहाँ पे, लाभ एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, लाभ एक बार पढ़ लेना यहाँ पर, लाभ लाभ क्या क्या लिखे हुए,
बहुत सिंपल भाषा में लिखे लाभ यहाँ पर, इसके लाभ क्या होते हैं किसके मानव जीनों के, सारी खैर की बात लिखी। देखो यहाँ पे एक बार पढ़ के बताता हूँ, एक बार देख लो, एक बार देख लो, आराम से देख लो, दो मिनट की बात है, पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है जीनो मैपिंग के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को हीमोफीलिया होगा कि नहीं होगा, मधुमेह होगा कि नहीं होगा, कैंसर होगा कि नहीं होगा, हम पता लगा सकते हैं इसके माध्यम से। इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे देश के लोग अन्य लोगों से किस प्रकार भिन्न है। हमने देखा था ना कि 99.9% डीएनए क्या था, सबका समान था, केवल 0.1% क्या था, भिन्न था। हम इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं कि वो भिन्नता किस वजह से आई है, वो जो 0.1% डीएनए में भिन्नता वो किस वजह से। इससे पता लगा जा सकता है कि गुण कैसे निर्धारित, गुण यानी कि, गुण यानी कि, अरे गुण यानी कि वही बाल आंखें नाक वगैरह होते हैं, ये आपके गुण होते हैं, तो शारीरिक गुण, गुण माने यहां पर क्या आपका शारीरिक गुण है और कुछ भी नहीं है। तथा बीमारियों से कैसे बचा सकता है, इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं कि 20 साल बाद कौन सी बीमारी होगी और उससे हम कैसे बच सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टिव चिकित्सा। आप लोग ये याद कर लेना भैया, ये एक नया टर्म निकल कर आया, क्या प्रेडिक्टिव चिकित्सा। देखो जब भी व्यक्ति बीमार हो जाता है आप डॉक्टर के पास जाकर दवा लेते हो कि लेते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी क्यूरेटिव चिकित्सा, कि आप क्यूरिंग करवा रहे हो खुद की दवा लेकर, या फिर आप प्रिवेंशन करो। डेटोल का एडवर्टाइजमेंट आता है डेटोल का, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने वो सुना भी होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है कि नहीं सुना सभी लोगों ने। अगर आप गंदगी में नहीं रहोगे तो फिर आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन मान लो गंदगी में रह रहे हो बीमारी हो गई, तो फिर आपके डॉक्टर पास जाओगे क्या लेने की, दवा लेने के लिए, यानी क्यूरेटिव चालू हो गया। यहाँ पे लिखा है प्रिडिक्टिव चिकित्सा, प्रिडिक्टिव मतलब क्या है, जैसे जिन लोगों को हीमोफीलिया हो सकता है, जिनको कैंसर हो सकता है, जिनको क्या है थैलेसीमिया हो सकता है, जिनको क्या है सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, हमने पहले पता लगा लिया। और पता लगाने के बाद में जो जीन है ना, जीन जो प्रोटीन प्रोटीन, उसी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्रिस्पर कैस9 की सहायता से डिलीट कर दिया, अब व्यक्ति बीमारी नहीं होने वाला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्टिव यानी कि अनुमान लगा लेना पहले से कैसे ये बीमारी हो सकती है, तो हो नहीं मत, तो नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी आपकी प्रेडिक्टिव चिकित्सा कहलाएगी और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल क्रिस्पर कैस9 खत्म कर दो ऐसा, ठीक है। और भारत की जीनोम परियोजना है वो सेम सेम वैसा ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगला अपना कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन क्या, मानव जीनोम एडिटिंग, ठीक है ऐसा। चलिए आज की बात करते हैं हम यहाँ पर खत्म, मिलते हैं हम लोग कल।